नसरुल्लागंज के गिलहरी स्थित गंगा वेयर हाउस पर भारी अनियमितता देखने को मिल रही है। किसानों ने सर्वेयर पर उपज तोलने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया। दरअसल इन दिनों सरकारी समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी का कार्य चल रहा है, जिसके अंतर्गत नसरुल्लागंज तहसील में मूंग खरीदी के 7 केंद्र बनाए गए हैं। लेकिन नसरुल्लागंज के गिलहरी स्थित गंगा वेयर हाउस पर भारी अनियमितता देखने को मिल रही है। किसानों ने सर्वेयर कृष्णकांत यादव पर उपज को तोलने के लिए 2500 से 3000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि सर्वेयर द्वारा फसल को खराब बताकर रिजेक्ट कर दिया जाता है और फिर पैसे लेकर उसी उपज को तोल दिया जाता है। कांग्रेस प्रवक्ता गोपाल शर्मा के मुताबिक आरोप लगाते हुए खरीदी केंद्रों को भ्रष्टाचार का अड्डा बताया और सर्वेयर्स द्वारा किसानों से रिश्वत मांगे जाने की भी बात कही। देखिए, बहुतायत मात्रा में मूंग का उत्पादन नसरुल्लागंज तहसील में हुआ है। अब मूंग खरीदी के जितने भी केंद्र हैं भ्रष्टाचार का अड्डा बन गए हैं। सारे सर्वेयर किसानों को उनका मूंग सैंपल फेल करने के पश्चात उनसे एक बड़ी राशि रिश्वत के नाम पर मांगते हैं और यही शिकायत गिलहरी के वेयरहाउस से आई है, जहां पर जो सर्वेयर है कृष्णकांत यादव किसानों को डरा कर कि आपका से मांग मूंग कैंसिल हो गया है और पूरी तरीके से वो फेल है, हम खरीद नहीं सकते। फिर जब जैसे ही किसान उसको 1000-2000 रुपये या 4000 रुपये की राशि देता है, सर्वेयर उस मूंग को पास कर देता है। ऐसी बहुत सारी अनियमितताएं उस वेयरहाउस पर है और प्रायः नसरुल्लागंज तहसील के सारे वेयरहाउसों पर है। इस मामले में खरीदी केंद्र प्रभारी जयप्रकाश मेहरा भी गोलमाल जवाब देते हुए नजर आए। सारे किसानों की वो ही जाने सर्वेयर की सर, ट्राली किसानों के माल में दिक्कत होती है। हाँ। सर्वेयर रोकता है, ट्राली जो अंदर आएगी मैं उसको माल को अंदर करवा देता हूँ। तुल ही रही है अभी 6-7 ट्राली तुल चुकी है अभी सर, अभी 2 घंटे के अंदर सारी ट्रालियाँ तुल जाएगी, उसमें कुछ नहीं सर। वैसे तो सभी ट्राली तो दिक्कत आती है, किसान ट्राली वापस नहीं ले जाते हैं अगर रिजेक्ट कर दी तो। उनसे कहा गया झाड़ लाओ या कचरा है या दाल है इसको छनवा के लेके आओ, तो किसान बोलता है कि हमारा ये भाड़ा लग जाएगा, दोबारा ट्राली लेके आएंगे। और दूसरी बात सर, हम बहुत परेशानी में हैं, मतलब किसान अपने तरीके से बात। चलिए आपको सुनवाते हैं किसानों से कि किस तरह से सर्वेयर के कारण परेशानी हो रही है। बेरा से गंगा बेरा से गिलहरी में है ये, यहाँ पर परेशानी आ रही। सुबह से हम लोग खड़े, सुबह 6 बजे नंबर लगा खड़े हैं, माल तुलने रहा, माल साबुत लेने के बाद माल रिजेक्ट कर रहे लोग ये, और फिर बाद में रिजेक्ट करने के बाद में आधा घंटा 2 घंटे 3 घंटे बाद फिर माल पास कर देते हैं पैसे लेके, सर्वेयर पैसे लेता है। आज भी ऐसे कैसे हम खड़े हैं, अभी तक तो कोई सर्वेयर भी नहीं है, कोई भी लोग नहीं यहाँ पर, हम लोग ऐसे खड़े हुए फिलहाल। और माल जब किसान साबुत माल लेखा, माल साबुत फैसल में साफ करके हाईवेस्ट जब माल कटता है उसमें हल्का सा कलर तो आता है, लेकिन माल साबुत होने के बाद फिर भी माल नहीं ले रहे। वेयरहाउस का गंगा वेयरहाउस है, गिलहरी में है ये। हाँ। और मामला ये है कि यहाँ मूंग तुलाई हो रही है, तो बेचारे किसान आ रहे हैं, उनसे 2500-2500-3000 रुपये जो सर्वेयर है कृष्णकांत यादव वो ले रहा है, और अच्छा मूंग है उसका भी पैसे ले रहा है, जो खराब मूंग है वो भी तोल रहा है, सब वो कर रहा है, वो किसी की बात नहीं सुन रहा है। हर किसान से एक इतना बढ़िया मूंग आया था, स्पिलर करके मूंग लेके आया था, छोटा किसान था, 5 क्विंटल मूंग लेके आया था, उससे उसने 500 रुपये ले लिए। मेरा छोटा भाई कल ट्रॉली लेके आया था, उससे 2500 रुपये ले लिए। ये तरीका है, उससे बोला तो वो बोलेगा आपकी ट्रॉली रिजेक्ट, ले जाओ आप घर ले जाओ, ये तरीका है, बात भी नहीं करता वो। देखा जाए तो खरीदी केंद्र पर जहां सर्वेयर द्वारा किसानों से रिश्वत ली जा रही है, तो वहीं इन केंद्रों पर किसानों के लिए न तो पानी की और न ही बैठने की कोई उचित व्यवस्था की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, नसरुल्लागंज।